चलिए अब जानेंगे खबरें विस्तार से। ग्रेटर नोएडा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अजनारा ने ली गार्डन सोसाइटी के निवासी लगातार दो महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सोसाइटी के लोग बिना रजिस्ट्री के ही अपने मकानों में रह रहे हैं। बिल्डर की ओर से सोसाइटी के लोगों को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अजनारा बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई भी कर चुकी है। क्या अजनारा की हालत आम्रपाली जैसी होती हुई नजर आएगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और लगातार हम अजनारा में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम लगातार आपको हर रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। बिल्डरों की ओर से मनमानी की जा रही है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अजनारा बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है और बड़ा सवाल यह है कि क्या अजनारा की हालत आम्रपाली जैसी होती हुई नजर आएगी। लोग परेशान हैं, वहां पर जो सुविधाएं जो कहकर के उन्हें दिए गए थे फ्लैट, वो सुविधाएं उन्हें मिल नहीं रही हैं। तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लोगों को सुनते हुए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बड़ा एक्शन लिया। लगातार दो महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं सोसाइटी के लोग, बिना रजिस्ट्री के ही अपने मकानों में लोग रह रहे हैं। और बिल्डर की ओर से सोसाइटी के लोग भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रिया राणा लगातार मेरी सहयोगी लाइव बनी हुई है। प्रिया राणा, क्योंकि हम काफी दिनों से इस स्टोरी को दिखा रहे हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और नौकरी पेशा होने के बावजूद धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक्शन जरूर लिया है, तो जो वहां पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठे हैं वो इसको समझते हैं, वो इससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, देखिए नीतू, अगर हम बात करें जो हमारे पीछे आप भीड़ देख रही हैं, ये अजनारा ली गार्डन सोसाइटी के ही निवासी हैं। लगातार ये दो महीने से धरने पर बैठे हैं। आज ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में पहुंचे थे, जहां पर एक इनकी मीटिंग हुई है, जहां पर बिल्डर भी पहुंचे हैं और अथॉरिटी के लोग भी थे, रेरा के लोग भी थे। वही सबसे बड़ी बात है कि देखिए अपना ऑफिस से समय निकाल कर ये लोग लगातार धरने पर बैठ रहे हैं और यहाँ पर क्या कुछ इनकी मीटिंग में हुआ है, क्या बातें निकल कर आई हैं, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, मीटिंग आज आपकी हुई है, क्या निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष ये निकला है कि आज जो बिल्डर के साथ मीटिंग हुई, अथॉरिटी मेंबर्स के साथ एमएलए जी भी आए थे, उन्होंने ये मीटिंग का जो इनको पॉइंट अपने सीरियस मोड पे जो काम करना था उसका कोई भी मोटिव बना के नहीं आए थे। अब इनने 7 तारीख को हमें बोला है कि 7-8 को हम आपको एक प्लान बना के देते हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से सीरियस मीटिंग इनने आज अरेंज करी थी उसके अकॉर्डिंग इन्हें एक प्लान बना के लेके आना था, जो हम अब ली गार्डन फैमिली के साथ जो हम शेयर कर सकते थे। अभी तो ये है कि 1-7 डेज के लिए बोला गया है कि हम काम करें। सर, अभी आपकी बात हुई है जिसमें कि आपने कहा है कि रेरा की तरफ से भी गलती हुई है, जो रेरा ने दिखाया है ऑन पेपर्स, क्या कुछ वो है? देखिए, रेरा के डॉक्यूमेंट्स में है कि स्विमिंग पूल कंप्लीट हो चुका है हमारी सोसाइटी में, क्लब कंप्लीट हो चुका है और सोलर पैनल भी लगा हुआ है। तो कहना हमारा यही था कि स्विमिंग पूल अगर दे दिया था इन्होंने हमें, तो कौन चोरी करके ले गया, तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। क्लब हमारा कौन उठा के ले गया, सोलर पैनल का था पता नहीं है। खैर, ये सब चीज़ें हमने अथॉरिटी के सामने रखी हैं, अभी हमने बाहर किसी को इस तरीके से रखे नहीं थे डॉक्यूमेंट्स। वहाँ प्रॉपर पेपर के साथ वर्क करके हमारे जो लोग हैं, जो रेजिडेंस हैं सारे, वो पहुँचे हैं। लेकिन अफसोस की बात थी कि बिल्डर कोई होमवर्क करके नहीं आया था, कोई किसी तरह का कोई कंक्रीट प्लान, कोई सॉल्यूशन का प्लान लेकर वो नहीं आया था। लेकिन रेरा की बात बता रहे हैं, रेरा की बहुत बड़ी गलती, क्या लगता है मिली भक्त है बिल्डर से? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और अथॉरिटी के तो खुद जो अधिकारी हैं वो भी हैरान थे इन सब चीज़ों से। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम पॉजिटिव पहलू देखें, सकारात्मक पहलू देखें, तो वो यही है कि आश्वासन मिला है 7 तारीख तक अपनी रिपोर्ट ये लेकर आएंगे कि बाकी काम कैसे करना है। और अथॉरिटी और जो लोकल एमएलए हैं हमारे तेजपाल नागर, उनके प्रतिनिधि जो दीपक यादव, उन्होंने पूरा अरेंज कराया है मीटिंग की, भाई जो ये लोग दो महीने से धरने पर बैठे हैं कम से कम कुछ सॉल्यूशन निकले, कुछ रास्ता कोई ऐसा निकले, तो उसकी एक कोशिश हुई है। और उम्मीद करते हैं कि अथॉरिटी का डंडा कम से कम बिल्डर पर काम करेगा और अच्छा होगा आगे। हमने भी आपकी सोसाइटी में तस्वीरें देखी थी जहां पर कुछ भी सुविधाएं आपको नहीं दी गई थी, तो रेरा इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि ऑन पेपर्स ये दिखा दे कि स्विमिंग पूल बना है और क्लब बना है या और जो भी आपकी मूलभूत सुविधाएं, कैसे हो सकता है ये? मैं भी ये लोग मिले हुए हैं एक दूसरे से और सपोर्ट कर रहे हैं बिल्डर का, रेसिडेंट का सपोर्ट ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसको हमने बात पे उठाया है। अब देखते हैं आगे कार्रवाई कैसे होती है और प्रशासन कैसे जगती है। धरना लेकिन हमारा जारी रहेगा, ये हम क्लियर बता दें। और ये चीज एक और कि आज अथॉरिटी है,
और धरने का मंच भी ली गार्डन है, लेकिन ये धरने का मंच पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटियों में दिक्कत है, सारे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इनको लग रहा है कि थोड़े से लोग हैं, घूमने दो इन्हें या बैठे रहने दो, कोई नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग बहुत बसे हैं, नया शहर आके बसा है, तो लूट तो खैर नहीं चलेगी। और दूसरी चीज, दरवाजा अभी बाबा का भी बाकी है, बुलडोजर बाबा का, बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीदों से हमने वोट भी बीजेपी को दिया है, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दरवाजा है, और उसके बाद राष्ट्रपति का भी है, किसी कीमत तक रुकेंगे तो नहीं, पैसा दिया है, हक का, अपने खून पसीने का। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो निवासी हैं लगातार परेशान हैं, 2 महीने से धरनों पर बैठे हैं, लगातार आज इनकी मीटिंग हुई है, इससे पहले भी मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग में सबसे बड़ी बात यही निकल कर आई है कि रेरा ने जो अपनी चालाकी दिखाई है ऑन पेपर्स, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा कि रेरा पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्योंकि देखिए ऑन पेपर्स चीजों का होना और इनको वो मूलभूत सुविधाएं मिली नहीं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन देखिए निवासी, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर ही हमारा रास्ता खत्म नहीं हो जाता, आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी अगर पहुंचने की जरूरत पड़ेगी तो पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए प्रिया राणा बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है।